सो हे गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत हम लोग बहुत ही खूबसूरत से सनराइज़ के साथ कर रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि सनराइज़ हो रहा है और सामने नीचे जो है एक बहुत ही खूबसूरत सा तालाब है जिसमें एक बोट चल रहा है। वहाँ पे सामने बहुत ही खूबसूरत सा एक सनराइज देखने को आपको दिख सकता है। सो गाइज, मेरे सफ़र की शुरुआत यस्टरडे 11 बजे हुआ था। मैं लगभग 4 घंटों के बस सफ़र करने के बाद, रात में टाइम स्पेंड करने के बाद अभी मैं आ गया। और अभी हम लोग हैं वैशाली में, और वैशाली में विश्व शांति स्तूपा को देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए आए थे। और मेरे साथ है मेरा दोस्त अमन, और अभी हम लोग आ गए हैं विश्व शांति स्तूपा के पास। और ये उसका गेट है, यहाँ से हम लोग इंटर करते हैं और अभी उसका गेट खुल गया है। तो चलिए मैं आपको अंदर जाके दिखलाने का ट्राई करता हूँ। और ये 400 फीट ऊंचा है, काफ़ी ऊंचा है, बहुत ही बड़ा दिख रहा है। आपको दिखलाने का ट्राई कर रहा हूँ। अभी सनराइज़ का टाइम है और बहुत सारे लोग हैं जो इसको देखने के लिए आते हैं। टूरिस्ट लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। और इसको जापानीज गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट के साथ मिलकर बनाया गया था 1969 में। सो गाइज, मैं उस पावन धरती पर आ गया हूँ जहाँ पर विश्व का सबसे प्रथम लिच्छवी गणतंत्र डेवलप हुआ था। वो बिहार में था और बिहार के वैशाली में था। अभी मैं वैशाली में ऊपर चढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको इंडिकेट किया गया है कि आप इसके ऊपर शूज पहन के नहीं चढ़िए। तो शूज बाहर निकाल के आप आ सकते हैं। और इनको मैं दिखलाने की ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पर कितना बड़ा ग्रेट बुद्धा का स्टेच्यू है और ये बहुत ही बड़ा गुम्बद है, स्तूपा है। और मैं वैशाली में हूँ और यहाँ पर भगवान महावीर का जन्म हुआ था और यहाँ पे भगवान बुद्ध बहुत बार आया करते थे। और मैं अभी विश्व शांति स्तूपा के पास में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध का बहुत ही बड़ा स्टेच्यू बना हुआ है। और इसको देखने का मुझे बहुत ही दिन से चाह थी, तो मैं आज इसको एक्सप्लोर करने आ गया हूँ। मैं आपको दिखलाने का ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको हरियाली देखने को मिलेगी, सामने एक तालाब है और यहाँ पर बहुत सारी पक्षियाँ हैं जो आपको चहकाती हुई नज़र आ सकती हैं। और यहाँ पे बहुत सारे नोटिस लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे जब भी आएँ, ऊपर में आएँ, तो कृपया अपने शूज को नीचे निकाल के रख दें। साथ में आप इसके ऊपर इनको टच ना करें और साथ में इनको ऊपर चढ़ के सेल्फी लेने का ट्राई नहीं करें, फ़ोटो खींचने का ट्राई नहीं करें, क्योंकि ये बहुत ही होली सेक्रेट प्लेस है, जिसको बोल सकते हैं पवित्र जगह है। और पवित्र जगह पर आप चढ़ते नहीं हैं और वहाँ पे जाके आप शूज फ़ोटो नहीं खिंचाते हैं। ये बेतुकाना बात होती है कि आप जाके एक फ़ोटो लेने चले जाए, भगवान को छू के फ़ोटो। तो आप जब भी आए, घूमने का बहुत ही अच्छा जगह है। मैं आपको दिखलाने का ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पर ग्रेट बुद्धा है जो आप सोते हुए दिखलाए गए हैं। और मैं ग्रेट बुद्धा को जनरली बहुत मानता हूँ। इनको इनका जो बहुत बड़ा मंदिर है गाया में, जहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, मैं उस जगह को भी एक्सप्लोर कर दिया हूँ। और माँ दुर्गा रागो मोने उल्लासे आलिंगने महामारी मुझे जाबे आज आखिर पीठे पड़ल काठी। सो गाइज, अभी मैं इसको एक्सप्लोर कर दिया हूँ। ज़्यादा चीज़ यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए है नहीं, आपको ध्यान करना है तो आप आके ध्यान कर सकते हैं। मैं आपको इसका विशाल सा गुंबद दिखलाने का ट्राई करता हूँ। ये देख सकते हैं, विशाल सा गुंबद है और इसका जो भी बनावट है उसके बारे में वहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है, मुझे उतना याद नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। आई होप यू हैव इन्जॉय द वीडियो एंड आप ज़रूर से ज़रूर इसको आगे विजिट करने ट्राई करें, क्योंकि विजिट करने के लिए बिहार में बहुत सारे प्लेस है, उसमें एक प्लेस ये भी है।